मध्य प्रदेश की शिवपुरी पुलिस ने अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गैंग का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से दो ट्रैक्टर ट्राली बरामद किए। दिनांक 23/4/2019 को फरियादी रामप्रकाश धाकर निवासी मणिपुरा ने अपने ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना कोलारस थाना पर दी थी, जिसके चलते अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। थाना कोलारस में पुलिस टीम गठित कर चंदेरी भेजा गया, जहां मुखबिर की सूचना से अज्ञात चोरों को धर दबोचा है। ये शिवपुरी पुलिस के द्वारा दूसरी घटना का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर और ट्रक चोरी का गिरोह पकड़ा है। इसमें एक जो इसमें आरोपी पकड़ा गया है वीरभान है, ये सराई अशोकनगर का रहने वाला है। अपने कोलारस में ट्रैक्टर चोरी हुआ था, चोरी के बाद से ही पुलिस लगी हुई थी कि ये घटनाएं हो रही हैं, ट्रैक्टर चुराने की काफ़ी घटनाएँ हो रही हैं। उसी बेस पे एडिशनल SP साहब, SDOP कोलारस और TI कोलारस और उनकी टीम के द्वारा जो है इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति अशोकनगर का तत्काल पकड़ा गया, उससे गुना में कोतवाली में ट्रैक्टर चोरी हुआ था, वो ट्रैक्टर जब्त किया गया। और एक जो कोलारस से जब्त हुआ था, वो चोरी हुआ था, वो जब्त किया गया। इसमें ये जो मेन आरोपी है वीरवान, इसका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि चुराने के बाद में ये UP में बेचने जाते थे। ये दो ट्रैक्टर भी और ट्राली भी ये बेचने के लिए जो है प्रयासरत थे। इसके पहले एक ट्रक इन्होंने चुराया था और काली पहाड़ी के पास में ये पकड़ा गए थे। तो ललितपुर में ये पहले पकड़ा गया था और ट्रक के साथ में दबोच लिया गया था। चुराने के बाद जब ये भाग रहा था तो घेराबंदी करके उस समय उसको पकड़ लिया गया था। तो इसके द्वारा दो ट्रैक्टर, दो ट्राली और एक ट्रक चोरी करना बताया है। और इसने एक ट्रैक्टर तो बट्टू को बेच दिया था, उसको भी हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। इस तरह से एक अच्छा गैंग के साथ से सारा कितनी गाड़ी इसमें अभी हम इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं और रिमांड पे हो सकता है हमको और भी ट्रैक्टर ट्राली इसमें रिकवर होने के पूरे चांस है। हाँ, इसमें एक का रिकॉर्ड है जो वीरभान है, ये UP में पकड़ाया है और चोरियों में